इसी तरह उस जमाने में अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला था। कराची के अक्सर बच्चे बड़े परेशान हाल थे। इसके पेश नज़र अखौत ग्रुप ने एक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि नूरियाबाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था और ऐसे ही एक हब के करीब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था। ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत अरसे से ठंडे पड़े हुए थे और हुकूमत फंड रिलीज नहीं कर रही थी कि वहाँ पर तामीरात हों और ये डेवलप हो जाए। अफगानिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ी जद्दोजहद की, गवर्नर से मिले और दूसरे लोगों से मिले और उनको ये कन्विंस किया कि अगर आप चाहते हैं कि कराची प्रॉपरली डेवलप करे और यहाँ का मसले हल हों तो दो मसले टॉप पर हैं। एक तो ये है कि हब डैम से हमें पानी दिया जाए, दूसरा ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, इनको फंड रिलीज किया जाए ताकि ये अपना काम तेज़ी से कर लें। अल्लाह का शुक्र है उनके पहले टर्नओवर में हब पर जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसमें कई कारखाने बन गए और नूरियाबाद का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो था वो शेप इख्तियार कर गया। ये उनकी कराची के लिए और कराची के नौजवानों के लिए, अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको अक्सर लोग नहीं जानते।